वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएलवी बैंक के गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और साथ ही साथ शानदार तरीके से अपनी तैयारी पे एक नया मुकाम हासिल कर रहे होंगे। 115 दिन बच गए। कितने? 115 दिन। अब देखते हैं कि आप इस 115 दिन में या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा। अब बात यहाँ पे हारने और जीतने की नहीं है, बात यहाँ पे मुकम्मल तैयारी की, यानी कि आप अपनी तैयारी को कितना मुकम्मल इंतजाम दे पाते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आराम से रजाई ओढ़कर, चादर ओढ़कर सो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि रातों की नींद हराम करके सुबह जागते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूएशन दे रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को एक नया मुकाम दे रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले आप सभी लोगों से उम्मीद है कि सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों की शेयर की वजह से क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मोटिवेशन से शुरुआत करेंगे। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। जिस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पैदा होते हैं, फिर 7-8 महीने, 1 साल के होते हैं, तो उनको अक्सर आप सभी लोग देखें तो वो सब क्या करते हैं कि अक्सर जब दौड़ने का प्रयास करते हैं तो गिरते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर उठ के फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। मतलब वो तब तक चलते हैं जब तक उनके पैरों में मजबूती ना आ जाए, तब तक चलते हैं जब तक वो प्रॉपर तरीके से चलना ना सीख जाए, तब तक चलते हैं जब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए, गिरते हैं और थोड़ा सा रोएंगे, फिर चलना शुरू करेंगे। हम लोगों को उन बच्चों की तरह होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, हम लोग का मनोबल जो है और गिरता चला जाता है। और ये मनोबल गिरने का 3 कारण होता है। सबसे पहले लक्ष्य के प्रति समर्पित ना होना, दूसरा मेहनत ना करना, और तीसरा मेहनत ना करने की वजह से अति आत्मविश्वास जनरेट करना। ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं जो हम लोग को अक्सर लाइफ में नीचे गिराती चली जाती है, डाउन स्ट्रीम पे हम लोग चले जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। उम्मीद है कि आवाज वगैरह क्लियर हो रही होगी और सभी बच्चों को हैप्पी नवरात्रि। अच्छा, आज नवरात्रि की भी क्या कहते हैं शुरुआत हो रही है, शुभ पावन पवित्र महीना शुरू हो रहा है, पवित्र दिन शुरू हो रहे हैं। 9 दिन ये काफी पवित्र होते हैं, हम लोग देवी शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन आप सभी लोग देखते होंगे कि आसपास के माहौल में उन्हीं के घर पे देवी शक्तियों की उल्लंघना की जाती है, यानी कि जो बच्चियां होती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जो क्या कहते हैं महिलाएं होती हैं, उन लोगों को हमेशा से क्या किया जाता है, डोमिनेंट किया जाता है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ऐसी स्थिति देखा करें, जब यातनाएं हो रही हो या शोषण हो रहा हो, तो मैंने कल की तरह एक और बात कही थी कि जब बूढ़े माँ बाप पर यातनाएं होती हुई दिख रही हो, शोषण होते हुए दिख रहा हो, या फिर कोई ऐसी संतान जो अपनी माँ बाप को मार पीट रहा हो, ठीक है, ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। ठीक उसी तरीके से कुछ इस तरीके की महिलाएं होती हैं जो अपनी बातें समाज में नहीं रख पाती हैं, तो आप उनका जरिया बन सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आज हम लोग टॉप हेडलाइन देखेंगे, वन लाइनर टाइप टॉप हेडलाइन, जैसा कि आप लोगों को पढ़ते आते चले आए टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे, अलग अलग जगहों से। फिर दूसरा टॉप हेडलाइंस देखेंगे सिडबी के बारे में और इसी के बारे में, यानी कि गिग वर्कर्स के बारे में, पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, इसको भी आज समझेंगे। ठीक उसी तरीके से कल भी हम लोगों ने अडानी यानी कि एजेला के बारे में पढ़ा था, आज भी एजेला के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को महाराष्ट्र को एक GI टैग मिला है, महाराष्ट्र के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज, और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो रखे गए हैं। साथ ही आपके बहुत सारे ऐसे साइट्स जो कि महाराष्ट्र के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नेशनल पार्क भी बताए जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, रामसर साइट्स के बारे में भी, महाराष्ट्र के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ कल एक न्यूज आई है जिसमें ये कहा गया है कि
चीन जो है भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल आयात किया है। चलो अच्छी बात है, क्रूड ऑयल जितना आयात करना है कर ले। फिर साथ ही साथ हम लोग ने इंडिया सेकंड से ग्लोबल पोर्ट इन सितवे म्यांमार, सितवे म्यांमार भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह बन चुका है। और साथ ही साथ हम लोगों ने 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में भी जानेंगे, WHO के बारे में जानेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उसका रिविजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के होमवर्क से। कल हम लोगों ने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। कौन कौन सा होमवर्क दिया था भाई? कल आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जो हैं उन्होंने आंसर दिया था। क्या बात है, आप लोग क्या है कि या तो होमवर्क करना नहीं चाहते हो या तो आप लोग सोचते हो कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मजा नहीं आ रहा है तो ऐसे पढ़ाई में तो थोड़ी ना मजा आएगा। या तो आप उसको होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि MDR का फुल फॉर्म क्या होता है। MDR का फुल फॉर्म क्या होता है? MDR का फुल फॉर्म होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है ये पर्टिकुलर देखो, सबसे पहले निकिता ने आंसर दिया है। इसने क्या कहा है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? एक ऐसी फीस होती है जो मर्चेंट से चार्ज किया जाता है, किसके द्वारा? इशूइंग बैंक के द्वारा। जब भी पेमेंट यानी कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए कस्टमर के द्वारा पेमेंट चार्ज किए जाते हैं उसको हम लोग MDR के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए अक्सर आप क्या कहते हैं किसी दुकान में जाए, किसी शॉप में जाए, तो आप जब देते हैं ना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की, भैया ये लो स्वाइप कर लो, तो वो कोशिश करता है बचने की, भैया देखो मेरा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। मर्चेंट के हिसाब से जब एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा, तो इसको कहा जाता है MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे राजपूत रविता ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मंजुषा ने भी आंसर दिया है और स्नेहा ने आंसर नहीं दिया है। स्नेहा क्या बात है, आंसर पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही। और आज आप लोगों की अटेंडेंस देख ली कि कौन कौन प्रेजेंट है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे या जब हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में हम लोगों से मनीष गुप्ता सर, यस सर, हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो सभी लोग प्रेजेंट बताओ। राजपूत रविता आई है, निकिता आई है, मंजुषा आई है, ममता आर्या आई है, या फिर क्या कहते हैं गौरव आया है, भरत आया है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। स्नेहा आई है, ये प्रेजेंट है कि नहीं है? छोटे छोटे जो है आप लोगों के जो नाम है ना अब धीरे धीरे दिमाग में आने लगे हैं, क्योंकि आप सभी लोग रेगुलर स्टूडेंट हो और रेगुलर स्टूडेंट जब आते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्लास की अटेंडेंस भी मनाते हैं, साथ ही साथ अटेंडेंस के साथ साथ आप अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। कई बच्चे कहते हैं कि हम रिकॉर्डेड देखते हैं। देखिए अगर आपकी मजबूरी है, जैसे रोहित नाम के बच्चे की भी मजबूरी थी, वो पेपर हॉकर है और वो पेपर हॉकर से वो उसने बताया कि सर मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि जब आपकी क्लासेस होती है तब उस वक्त वो पेपर बांटता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि जिन लोग के पास समय है तो वो ऑनलाइन आया कीजिए, इससे आपकी डिसिप्लिन मेंटेन होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, हम हट जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे राष्ट्रीय न्यूज के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। वन लाइनर, ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन हेल्ड इन नई दिल्ली। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक सर्विसेज ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि कहाँ पे होगी, ये परिवर्तन चिंतन के नाम से होगी कॉन्फ्रेंस और बेसिक तौर पर यह नई दिल्ली में होगी। ठीक है, दूसरा, अडानी ग्रुप इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने डेढ़ ट्रिलियन क्या किया है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाया है, कहां पे? खावड़ा में। इसके बारे में कल हम लोगों ने भी बताया था, साथ ही साथ सरकार की परियोजनाओं के बारे में भी बताया, सरकार किस तरीके से अपने बजट में 2070 तक ग्रीन एनर्जी को लाना चाहती है। मिराज सितार के तानपुरा और महाराष्ट्र के मिराज सितार और तानपुरा को क्या मिला है, GI टैग मिला है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स मिला है।
अपॉइंटमेंट अभी अभी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट कौन से हुए? पीटर पेलग्रिनी को स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्ति दी गई है। साथ ही साथ विप्रो के सीईओ को कौन बनाया गया है? श्रीनिवास पालिया को बनाया गया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जो सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड है वो दिया गया। साथ ही साथ रघुराम राजन नहीं, रघुराम को जो कि अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के फेलोशिप के तौर पे एक अवार्ड दिया गया। स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसने जीता है? एक ड्राइवर है जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, उन्होंने जीता है। सबसे पहले बात बताएं तो 90% जो ड्राइव मतलब 90% की जो विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन है। 2023 में ये लगभग लगभग 95% ड्राइविंग इसके मतलब ड्राइविंग जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उपलब्ध रखा गया है। इसके बारे में आज चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब आते हैं हम लोग किसके बारे में, ये तो हो गया वन लाइनर टॉप हेडलाइंस के बारे में। एजिल क्या है? एजिल एक नाम कंपनी है जिसको कहते हैं अडानी ग्रुप इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है, अडानी ग्रुप इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये अडानी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। पिछले 10 साल में हम लोगों की और आप लोगों की उतनी आय नहीं बढ़ी होगी जितना इनकी आय बढ़ती थी। चलिए राहुल गांधी को कभी कभी स्पीच सुनते ना तो अच्छा लगता है। चलिए आते हैं सिडबी की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन सा बैंक है भाई? ये डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया गया। कब स्थापित किया? सन 1990 में स्थापित किया गया। इसके चेयरमैन कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन है, ठीक है। अब बात करते हैं सिडबी ने गिग श्रमिकों के लिए, गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइव के साथ साझेदारी की है। यानी कि एक माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है जिसका नाम है कर्मा लाइफ, और ये कर्मा लाइफ और सिडबी ने अभी अभी हाल फिलहाल में पार्टनरशिपिंग की है। इसके पहले अगर गिग वर्कर क्या होता है इसको पहले समझाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखते हैं कि जो सिडबी है हमारे देश में 3 सेक्टर को प्रायोरिटीज दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें अगर हम लोग कहते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा रहे हैं, तो इस तरीके का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर होगा। दूसरा टेरिटरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और तृतीयक सेक्टर यानी कि टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो आपका कौन सा सेक्टर कहलाता है? ये आपका बेसिक तौर पर सर्विस सेक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, जैसे अगर हम लोग देखा जाए कि आप लोगों को स्विगी जोमैटो या ओला उबर के जरिए एक डिलीवरी की जाती है ना, तो वो गिग वर्कर कहलाते हैं। कुछ ऐसे वर्कर्स जो पर्टिकुलर एक ही काम दो मतलब एक ही तरीके से दो अलग अलग काम कर रहे हैं वो आपके गिग वर्कर कहलाते हैं। हाँ, ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं स्विगी जोमैटो वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको हम लोग गिग वर्कर कहते हैं, ठीक है। अब ये गिग वर्कर की अब कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो गई है। जो स्टार्टअप जैसी कंपनियां है ना, जैसे आप ब्लिंकिट देख लो, स्विगी देख लो, जोमैटो देख लो, ओला देख लो, उबर देख लो, ये जितने भी मतलब कार्य करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सरकार ने देखा कि भाई इन लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो इनको बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या किया गया? क्योंकि सिडबी सरकार की तरफ से जाना जाता है, तो सरकार ने ये कहा है यानी कि सिडबी ने कहा है कि हम कर्मा लाइफ के साथ जोड़कर माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कराएंगे किसको? गिग वर्कर को। जिससे कि जैसे कि किसी को बाइक्स चाहिए, छोटे छोटे लोन चाहिए। अब जैसे मान लो मेरे बगल में एक लड़का रहता है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है, मतलब ओला बाइक से राइडिंग करता है, रैपिडो से, ओला से, अपने आप को सब में रजिस्टर्ड करा के रखा है, ओला में, रैपिडो में और साथ ही साथ उबर में। तो उसके पास बुकिंग पे बुकिंग आती रहती है और वो अपना दिन का मतलब अगर देखा जाए तो 400-500 का धंधा कर लेता है।
काम कर लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, और साथ ही साथ जब वो कॉलेज जाता है तो अपना वो सेट कर लेता है कि वहां से मतलब बीएचयू तक जाना है, तो पर्टिकुलर बीएचयू तक कोई भी अगर कोई सवारी मिल जाएगा तो उसको उठाते हुए चला जाएगा, साथ ही साथ वो कॉलेज भी पहुंच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो गिग वर्कर्स हैं, जो अपना एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो गिग वर्करों की संख्या यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर के तौर पे भी बढ़ चुकी है। ये वेरियस सेक्टर्स में 15 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांस के तौर पे, और 90 मिलियन जो है इकोनॉमिकली तरीके से आगे आने वाले भविष्य में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 42% लोग ऐसे हैं जो हायर स्किल फ्रीलांसिंग सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि स्विगी जोमैटो डिलीवरी डुंजो वाले ही जो होते हैं वो फ्री गिग वर्कर होते हैं, कभी कभी गिग वर्कर उस तरीके से भी काम करते हैं। जैसे मान लो मुझे अपने कंटेंट को टाइपिंग करानी हो, तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया, कहा कि भाई देखो ये काम करना है तुमको, बस आधे एक घंटे का बस टाइपिंग करना है। तो वो क्या करना शुरू कर दिया, वो पार्ट टाइम अपना काम करना शुरू कर दिया, वो भी एक तरह से गिग वर्कर हो गया। तो फ्रीलांसिंग के तौर पे आईटी डिजाइन और मैनेजमेंट में भी जो हायर स्किल प्रोवाइड कराते हैं वो भी आपके गिग वर्कर कहलाते हैं। केयर वेलनेस टीचिंग ये सारी की सारी चीजें सुविधाएं देते हैं, वो भी गिग वर्कर हो गए। साथ ही अगर आप देख लें यहाँ पे जो माइक्रो टास्क डिलीवरीज और राइड शेयरिंग देते हैं वो भी गिग वर्कर हो गए। तो 3 तरीके के गिग वर्कर हो गए, एक तो हायर स्किल फ्रीलांसिंग, दूसरा हायर स्किल फ्रीलांसिंग का मतलब जो आईटी सर्विसेज दे रहे हैं साथ ही साथ डिजाइन मैनेजमेंट और टेम्पलेट वगैरह बना रहे, दूसरा पर्सनल सर्विसेज, जैसे मेरे पापा जी को फिजियोथेरापिस्ट आता है तो वो क्या करते हैं वो अपने मेरे पिताजी का जो है एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो क्या हो गया पर्सनल सर्विसेज दिए जा रहे हैं, वो भी गिग वर्किंग में आ गया। लो स्किल गिग वर्क क्या कहलाता है, जैसे आपने डिलीवरी बॉयज को ऑर्डर दिया वो डिलीवरी बॉयज हो गया या राइड शेयरिंग हो गया, ये भी आपके गिग वर्कर हो गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आने 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 वाले में इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है एफएमसीजी सी फार्मा में बढ़ रहा है, तो फार्मा में और एफएमसीजी में जो 69% होने की चांसेस है आगे आने वाले समय में। इसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी गिग वर्करों की संख्या बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में 56% बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा ये रिपोर्ट निकाला गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, ये तो हो गया बात हमारे गिग वर्कर की। अब बात आते हैं कि अभी अभी हाल फिलहाल में बैंकिंग सेक्टर के साथ यहाँ पे रिसेंट MOUs हुए हैं। MOU का मतलब हो गया समझौता हुआ है। अब समझौता किस बात का हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि सन 1911 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इसकी स्थापना की गई, किसके साथ विपिन सॉल्यूशन के साथ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्होंने एक समझौता किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विपिन सॉल्यूशन के साथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने टाटा कैपिटल हाउसिंग कंपनी के साथ लेवरेजेस, लेवरेजेस का मतलब होता है फायदा, ठीक है, लेवरेजेस और हाउसिंग फाइनेंस लोन को एक लो टिकट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए उसके तौर पर एक समझौता किया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने नॉइज एंड मास्टर कार्ड के साथ एक नए तरीके का पेमेंट करने के लिए क्या किया गया समझौता किया। साथ ही साथ यस बैंक ने पार्टनरशिपिंग की है किसके साथ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, जब यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा तो ये एक तरह से यस बैंक पार्टनरशिपिंग की है किसके साथ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, मतलब ब्रांडिंग वांडिंग के लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, पिंक कॉलर व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब की। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी रेड कॉलर जॉब के बारे में चर्चा किया था। जो प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं ना, वो प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको हम लोग रेड कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है, यानी कि रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। जो किसान भाई हैं या जो खेती बाड़ी करते हैं उनको हम लोग रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, या आपको किसी भी तरीके से बंधुआ मजदूर देखने को मिल जाएगा या खेतिहर मजदूर देखने को मिल जाएगा उसको हम लोग रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो पिंक कॉलर वर्कर होती है,
जैसे अक्सर आप सभी लोग देखते होंगे कि जो ऐसी महिलाएं जैसे कि आशा, SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, आंगनबाड़ी में जो पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको हम लोग पिंक कॉलर जॉब वर्कर कहते हैं। साथ ही साथ व्हाइट कॉलर, अभी आप बैंक में सिलेक्शन होने वाला है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। अगर अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा बात है और एक अंदर से कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी वाली बात होती है। तो आप कहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये बार बार अपने आप को समझाना, अपने आप में रिपीट करना, ये आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता रहता है और साथ ही साथ आप मोटिवेटेड होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्त करने के लिए। तो व्हाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं, जब आप बैंक में जॉब करेंगे, बैंक में काम करेंगी, तो वो एक व्हाइट कॉलर जॉब होती है। ठीक, इसको सर्विस सेक्टर, यानी कि इसको सर्विस सेक्टर जॉब कहते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल के एम्प्लॉय जो होते हैं ना, या जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, या जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, उन सबको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, IAS, यानी कि अगर IAS और IPS कोई बन जाता है तो वो भी एक व्हाइट कॉलर जॉब होता है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो एक सर्विस सेक्टर में। ब्लू कॉलर जॉब किसको कहते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं, जैसे कि माइनिंग करते हैं, या मैकेनिक होते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क में लिप्त किए जाते हैं, इनको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब वर्कर कहते हैं। ठीक है, तो जनरली ये तीन होते हैं। मैं इसको इस बार इसलिए बताया क्योंकि 2022 में पिंक कॉलर जॉब के बारे में भी पूछा जा चुका है, इसके पहले 2016 के IBPS के एग्जाम में रेड कॉलर जॉब के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वाले पार्ट को पढ़ते रहते हैं और हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, यानी कि जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था, रविता ने शायद क्वेश्चन पूछा था, जिसने बोला था कि सर एजिल क्या है, तो एजिल है अडानी गौतम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1.5 ट्रिलियन, ठीक है, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क में 30 गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र विकसित करने के लिए 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। किसने बनाई भाई? यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट का जो भाग होगा वो बेसिक तौर पर 45 गीगावाट का सबसे पहले इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये आने वाले समय में 26 गीगावाट का सोलर लगाया जाएगा और 4 गीगावाट का पवन ऊर्जा के जरिए बिजली के उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में एजिल के पास जो है वो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है कितना, 10.93 गीगावाट से लेके 7.39 गीगावाट सोलर परियोजना लगाई जा रही है। सभी लोग यहाँ पे 1.4 गीगावाट का पवन ऊर्जा के जरिए और साथ ही साथ 2.14 गीगावाट के जरिए हाइब्रिड, ये कितने राज्यों में, 12 राज्यों में ये रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। किसके द्वारा? अडानी गौतम जी के द्वारा। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं सितार तानपुरा मेड इन मिराज महाराष्ट्र गेट्स GI Tag। महाराष्ट्र के मिराज में बने सितार तानपुरा को मिला GI Tag। ठीक है, ये क्या है भाई? तानपुरा है, टिंग डिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, ये है सितार और तानपुरा। कुछ इसी तरीके से सितार भी आता है, तानपुरा भी होता है, छोटा सा होता है तानपुरा, एक तारा बोले आप सभी लोग देखते होंगे ना, और एक मिराज। तो मिराज महाराष्ट्र के एक गांव है, या आप कह सकते हैं एक छोटा सा शहर है मिराज, इसको मिला है GI Tag, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब बात करते हैं कि मार्च 2024 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड इन विच रीजन गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, कहा गया है कि GI Tag जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बनाया गया है, ये किस क्षेत्र में बनाया गया है? तो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सांगली नाम के जिले में
एक छोटा सा टाउन है जो कि मिराज के नाम से जाना जाता है, वहां पे सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है। साथ ही अगर देखें तो विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड इन मिराज गॉट द जीआई टैग इन मार्च 2024, तो इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या कहते हैं जीआई टैग के तौर पे इसको मिला है, सितार और तानपुरा को मिला है। विच इंस्टीट्यूशन गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर मेकिंग सितार इन महाराष्ट्र 2024, तो मिराज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तौर पे बनाया गया। साथ ही इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जीआई टैग जो कि तानपुरा है, वो तानपुरा जो कि किस राज्य का है, तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तौर पे सितार तानपुरा बनाया गया, ये जीआई टैग के तौर पे मिला है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र के बारे में भी जानते हैं। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस, या आप कह लो फाउंडेशन डे। तो 1 मई को, क्योंकि पहले सौराष्ट्र हुआ करता था, तो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हुआ, 1 मई को फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाता है, फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। सन 1956 में इसको अलग किया गया था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है ना, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है, ये एक मुख्यमंत्री है। ठीक है, बड़ा बवाल हुआ था, जैसे जैसे तैसे बन गए हैं, यानी कि क्या कहते हैं एनसीपी के नेता है और भाजपा में आके सम्मिलित हो गए थे, अजीत पवार की मदद से एकनाथ शिंदे बना दिए गए थे। दूसरा, अगर आप गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस, रमेश बैस कौन है? यहाँ की गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। अब कुछ ऐसे डांस फॉर्म है जो कि चलते हैं बहुत ही, गोवा और महाराष्ट्र में लावनी नाम का फोक डांस होता है, नाकत, नाकटा, एक तो नाटक होता है, एक तो नाकटा होता है, तो नाकटा जो कि एक इस तरीके से डांस फॉर्म है, फोक डांस के तौर पे महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें, इसके अलावा आप सभी लोग देखते होंगे ना कि ऐसा डांस, गोवा के जो मछुआरे होते हैं, महाराष्ट्र के जो मछुआरे होते हैं, वो ऐसा डांस करते हैं, ये डांस कहलाता है कोली डांस। क्या कहलाता है? कोली डांस, जो कि जो मछुआरे, जो फिशीज होते हैं, वो डांस फॉर्म करते हैं। साथ ही अगर देखें यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का, आप सभी लोग, गणेश उत्सव होता है, तो गणेश उत्सव के दौरान जब गणेश जी की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, या फिर लाल बाग का जो बादशाह निकलते हैं गणेश जी का, जो गणेश चतुर्थी समय में, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे डांस किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, झांझर लेकर और मजीरा लेकर, इसको कहते हैं लेजिम डांस। क्या कहते हैं? लेजिम। ये सभी के सभी फोक डांस है, और ये कोली, कोहली नहीं, कोली, कोली डांस, ये सभी सभी क्या है, आपके फोक डांस महाराष्ट्र के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा वहां की जो फोक, यानी कि जो लैंग्वेजेस है, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, उसको मराठी, और एक सॉन्ग है जय जय महाराष्ट्र माजा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजा बाड़े के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? राजा बाड़े के द्वारा लिखा गया, राजा बाड़े के द्वारा। जैसे हमारा राष्ट्रीय मैंथन एंथम होता है, ठीक है, राष्ट्रगान होता है, ठीक उसी तरीके से राजकीय गान भी होता है। राजकीय मैमल क्या बनाया गया? स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी, रंगीन गिलहरी है, रंगीन गिलहरी। साथ ही साथ वो पक्षी के तौर पे राजकीय पक्षी कौन सा है महाराष्ट्र का? पीला तोता, पीला तोता। हरा तोता देखा होगा, पीला तोता भी होता है, ठीक है। फिश, रोहू मछली, रोहू मछली, ठीक इसी तरीके से कीड़ा है ब्लू मॉर्मन, ठीक है। फ्लावर है जरूल, जरूल का पौधा, जरूल का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है। ट्री, मैंगो ट्री, यानी कि आम। ये सभी के सभी आपके महाराष्ट्र के कुछ ऐसे हैं जो कि विशेष तत्व के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फोक डांस हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गाफा। गाफा ये भी एक लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, और दही कला दस अवतार, दही कला दस अवतार, दस अवतार, ये भगवान विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है नाट्य रूपांतरण के जरिए।
कुछ ऐसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं, अलोरा की गुफाएं, ठीक है, औरंगाबाद के नजदीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक है, यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं, और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट, सात श्रेणियां होती है, सात पर्वत श्रृंखलाएं होती है, उसमें से एक वेस्टर्न घाट है। साथ ही अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और विक्टोरिया का डेको असेंबल मुंबई, ये आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रिकॉग्नाइज किया गया। किसके? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रिकॉग्नाइज किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। चलिए अभी अगर देखें तो प्रतापगढ़ का एक वल्लोर फोर्ट है, इसको 2022-2023 में क्या किया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है। किसका? प्रतापगढ़ का वल्लोर फोर्ट। यहाँ पे आप जाएंगे तो इस वक्त ये सबसे अच्छा माना जाता था, यानी कि जब युद्ध होता था, मराठा का जो युद्ध होता था, तो जितने भी आक्रमणकारी आते थे तो उनके बीच में जब युद्ध होता था तो ये एक बाउंड्रीज और ये एक प्रोटेक्शन का काम करता था। ये सतारा नाम के जिले में, सतारा नाम के जिले में है, जो कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया है, जिससे कि जब यहाँ पे मराठा जब चढ़ के देखते थे तो इनको उनकी एक्टिविटीज यानी कि दुश्मनों की एक्टिविटीज पता चल जाती थी कि कहाँ से एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से कभी भी मराठा अगर महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं और जो दुश्मन जो आक्रमणकारी होते थे वो आक्रमणकारियों को तुरंत का तुरंत मार के गिरा देते थे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है प्रतापगढ़ का युद्ध, और ये प्रतापगढ़ का युद्ध सन 1659 ईस्वी में हुआ था, और ये एक अपना एक अलग ही इतिहास बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं वेल्लोर फोर्ट। साथ ही अगर देखा जाए तो यूनेस्को के द्वारा आप सभी लोग को अभी अभी वैसे बताया एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि शिव भगवान के, हिंदू हिंदू जो गॉड है शिव है, उनके उनके ज्यादातर आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप देखें तो महाराष्ट्र का एक कैलाशा कैलाशनाथ टेम्पल है, बहुत ही अद्भुत और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में रखा गया। मुझे लगता है कि इसको सात आश्चर्य में शामिल करना चाहिए। मालूम है किसी भी प्रकार का सीमेंट यूज नहीं किया गया, बालू यूज नहीं किया गया, गारा यूज नहीं किया गया, और ये पत्थरों को काट काट के, पहाड़ों को काट काट के एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है जिसको कैलाशनाथ टेम्पल कहते हैं। साथ ही अगर देखें यहाँ पे कि अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पे आपको बुद्ध बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म का अस्तित्व तो देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, ऊपर से कट करके, ऐसा नहीं कि नीचे से, ऊपर से मतलब ऊपर की पहाड़ियों का जो होता है ना, उसको कट 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 कर करके कर करके कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया। लिटरली कभी आप लोगों को मौका मिले यूट्यूब पे जाके देखने का तो एकदम अद्भुत आपको देखने को मिलेगा कि पहले के जो कारीगर होते थे कितने विलक्षण प्रतिभा के होते थे। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे नेशनल पार्क है, उनको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यान को। संजय चंदन और गुगा मल ने महाराष्ट्र के नवे गांव में ताड़ का पेड़ बोया। ताड़ का पेड़ समझते हो, आजकल गर्मी आ चुकी है तो लोगों के जो ताड़ का पेड़ होता है ना, ताड़ के पेड़ से लोग नशीला पदार्थ निकाल कर पीते हैं, ठीक है, और बेहोश हो जाते हैं। तो अभी अगर देखो तो यहाँ पे ताड़ का पेड़ कैसे बोया, चलिए देखते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदन से चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और तड़ोबा, ताड़ का पेड़ बोया इसका मतलब तड़ोबा नेशनल पार्क और नवे गांव नेशनल पार्क। तो संजय चंदन गुगामल ने महाराष्ट्र के नवे गांव में ताड़ का पेड़ बोया और पेड़ क्या कहते हैं, ताड़ का पानी पीकर नशीला पदार्थ जीना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कुछ ऐसे नेशनल पार्क भी हैं जो बहुत ही ज्यादा विवादित रहे। कौन से विवादित रहे? यहाँ पे आपको पेंच नेशनल पार्क रहे, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में हमेशा से विवादित रहे। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र का मानना है कि ये मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसके बीच का जो विवाद है हाईकोर्ट तक पहुंच गया था,
और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनल, सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल पेंच नेशनल पार्क का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में दिखाया। ये आपके पेंच नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में देखने को मिलता है। साथ ही अगर आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ नया, चीन भारत को पीछे छोड़कर रूस से किया सर्वाधिक क्रूड ऑयल। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि जो चीन का जो है, चीन का जो इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है वो रशिया, देखो क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ दोस्ती दोस्ती वाला हिसाब किताब चल रहा है। पहले क्या होता था कि भारत जो है रशिया से सबसे ज्यादा कच्चे तेल आयात किया जाता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो ऐसे समय पे रशिया ने कहा कि भाई देखो हमसे जो मित्रता करेगा हम उसको अपने यहाँ का तेल सस्ते दर में देना शुरू करेंगे। तो अब सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि इसमें से जो जितने भी पड़ोसी मुल्क थे, यानी कि रशिया का जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत भी है और चीन भी है, अब इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, हमको यूक्रेन को भी इग्नोर नहीं करना है, रशिया को भी इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया गया कि उनको ये कहा गया, भारत की जो विदेश नीति थी उन्होंने विश्व को दिखाने के लिए कहा कि देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अभी हम रशिया से उतना व्यापार नहीं कर रहे हैं। अब इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा चीन ने उठाया। अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि चीन ने क्या किया है कि सबसे ज्यादा कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया है, कहां से? रशिया से किया गया। अब ये बेसिक तौर पर ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है, ये अप्रैल के पहले हफ्ते में एनर्जी कार्गो ट्रैकर जो कि वोल्टेक्सा नाम की कंपनी है उसने निकाली, यानी कि एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्सा ने अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने ये बताया कि चाइना जो है ये सबसे बड़ा देश हो गया है जहां की रशिया से अपना तेल आयात कर रहा है। कितना तेल आयात किया है? चीन ने समुद्र के रास्ते से 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ पे क्या किया है, रूसी कच्चे तेल का आयात किया गया। वहीं अगर देखा जाए तो भारत ने 1.36 मिलियन बीपीडी से अधिक इसका किया। इसका मतलब अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 50.50 मिलियन बैरल प्रतिदिन चीन ने सबसे ज्यादा आयात किया है। किसके मामले में? कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में। अब आते हैं सितवे, म्यांमार भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह बन गया है। सितवे कहाँ पे है? म्यांमार में, बर्मा में। बर्मा की बात करें, भारत की बात करें तो दोनों एक अच्छे देश, मित्र देश के तौर पर जाने जाते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि म्यांमार में रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह में पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे दो बातें निकल रही हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्या किया है, भारत और म्यांमार के बीच में जो वैश्विक बंदरगाह है उसको एक मान्यता दी है और इस मान्यता के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इंडिया का जो पोर्ट्स ग्लोबल है यानी कि IPGL यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये प्रपोज किया गया है कि जो वैश्विक स्तर पर जो सितवे बंदरगाह है पूरे संचालन को संभालेगा और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जो कि अलग अलग समुद्री माध्यम से आता है ना, तो समुद्री माध्यम से सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पर आता है भारत का जो माल जाएगा वो यहाँ पे जो टैकल किया जाएगा म्यांमार के जरिए किया जाएगा। ये देखो एक दोहरी नीति होती है, ज्योग्राफिकल कहते जियोपॉलिटिकल एक नीति के तौर पे बनाया गया। ये नीति कैसे बनाई गई है? एक्चुअली क्या हो रहा था कि अगर देखा जाए तो म्यांमार को एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाने की कोशिश की जा रही है भारत के जरिए। पहले क्या हो रहा था कि पहले का जो हिसाब किताब था वो कोशिश किया जाता तो जो चीन था वो चीन ये कह रहा था कि हम म्यांमार के साथ टैकल करेंगे। अब किसी भी प्रकार का जो माल जाएगा वो बीच बीच में रुकेगा भी। अब इस जब समुद्री माध्यम से जब जाना शुरू होता है तो बीच में सबसे बड़ा जो पार्टनर आ रहा है हमारा म्यांमार आ रहा है। इधर म्यांमार को कवर कर लिया और उधर ईरान को कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार जो है सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के बाद आता है, यानी कि चहरबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया। यानी कि अगर आप देखें तो सितवे पोर्ट म्यांमार दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है जो कि
जो कि शाहिद बहेश्ती पोर्ट, जो कि ईरान में है, ईरान सबसे बड़ा है, वहां का जो एयरपोर्ट है चारबहार पोर्ट और बहेश्ती पोर्ट, वहां पे चाबहार नाम की जगह पे बहेश्ती पोर्ट है पर्टिकुलर, ये सबसे बड़ा बंदरगाह के तौर पे बना है। और पूरी तौर पे अगर देखा जाए तो भारत का जो ग्लोबल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की तरफ पे इसको नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये अगर पहले तौर पे देखा जाए तो इस साइड में ईरान हो गया और इस साइड में म्यांमार हो गया। अब दोनों ही बंदरगाह को कवर किए जा रहे हैं। ये बंदरगाह को कवर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस तरीके से जो भारत का जो माल है इन दोनों ही स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे किसी भी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं होगी या रुकावटें नहीं आएंगी। माय हेल्थ माय राइट, इस साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जी हाँ मनाया गया। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया गया, स्थापना दिवस हुआ था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका अगर देखा जाए तो माई हेल्थ माई राइट ये थीम रखा गया है 2024 का। क्या रखा गया है? 2024 का। तो थीम क्या रखा गया है? माई हेल्थ माई राइट 2024 की थीम रखी गई है। ये वर्ल्ड हेल्थ डे का इतिहास क्या रहा है? वर्ल्ड हेल्थ डे की स्थापना यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी, यानी कि WHO जब स्थापित हुआ था तो उसी के वक्त पर विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का प्रावधान रखा गया। हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और पहली बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था 7 अप्रैल 1950 में क्या किया गया, मनाने का प्रावधान रखा गया। आइए देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई है 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। इसके जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं इनका क्या नाम है? टेड्रस अधनम है, टेड्रस अधनम, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सबसे पहला रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के तौर पे मनाया जाता है। चलिए, अगर आप सभी लोगों को नहीं मालूम है तो समझ जाइए, बैंक महापैक जो कि 22 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। अगर आपका टारगेट IBPS, SBI, SIDBI, NABARD और RBI असिस्टेंट, ये सारे के सारे एग्जाम आपके टारगेटेड है, तो एक टारगेट लिया गया है बैंक महापैक। कई बार क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो तो वहां पे देखने को मिलता है कि अलग अलग कोर्सेस निकाले जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया है कि भाई सबको कॉम्बो कर दिया गया, बैंक महापैक किया है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में किया, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में किया। मुझे लगता है कि आपको पूरी दुनिया भर की, भारत भर की जितनी भी देखोगे तो वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा और फीचर्स और कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, ये आपको वीर सर ने ऑलरेडी कह दिया है। तो अगर देखा जाए तो कहीं पे भी 2500-3000 से नीचे नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाया था कि चलो वो 1999। फिर उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि चलो अभी 50% डिस्काउंट दे देते हैं, तो 999 में आप सभी लोगों को एक साल की वैलिडिटी रहेगी। इस एक साल की वैलिडिटी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले ये देखिएगा। इसमें आपको यहाँ पे भारत के जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस 300 प्लस क्लासेस देखने को मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा आपको, क्लास यानी कि जब एग्जाम के टाइम पे आएगा तो उसके 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपको करंट अफेयर्स 6 महीने का पूरा ईबुक मैगजीन विद क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा, इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको आपको देंगे। साथ ही साथ डाउट सेशन मिलेगा, मॉक इंटरव्यू सेशन मिलेगा, क्विज और बहुत सारे आपके क्विज सेशन तो रहेंगे ही रहेंगे। ये आपको एक कहते हैं ना कि मील का पत्थर साबित होगा अगर आप इस तरीके की चीजों पे इनिशिएट करते हो। कैसे करेंगे? आप सभी लोग स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां से आपको बैंकिंग वाले कोर्स में जाइएगा, बैंक एग्जाम कोर्स में, और बैंक एग्जाम कोर्स में आपको बैंक महापैक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही 14 अप्रैल को एक बार और बता देते हैं आप लोगों को, 14 अप्रैल को एक टेस्ट होने वाला है,
आप लोगों को 15 अप्रैल बताया गया था ना, 15 अप्रैल था, लेकिन कुछ आप लोगों के डिमांड की वजह से हम लोग उसको संडे को कर रहे हैं। तो 14 अप्रैल को संडे को क्या किया जा रहा है, फिर से एक बार लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट वॉच के लिए टेस्ट होने वाला है। अब उसको पार्टिसिपेट कीजिएगा आप सभी लोग, शाम को 7 बजे होगा। फिर ये कभी कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर टाइम जो है आप लोग को नहीं देते हैं। टाइम दे दिया गया, बता दिया गया, 14 अप्रैल 7 बजे होगा, टेस्ट होगा, और ये 14 अप्रैल 7 बजे शाम को होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने दोस्तों मित्रों को बता दिए, देखा कि 3 लोगों ने प्रॉपर तरीके से जीता है, अच्छे से टैकल किया है, उन्होंने कंटेंट की क्वालिटी को भी बताया कि कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी थी, तो ये आप लोग देखते हैं ना कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ लुभावने के लिए कर रहे हैं। ये आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है कि जब आप टेस्ट देते हैं, विनर हो जाते हैं, और विनर के बाद आप लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अभी मत कराओ, क्यों, हर महीने होता रहेगा, घबराओ मत। अब पहले मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, अब मई में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि अब एग्जाम के जस्ट पहले भी किया जाएगा, तो ये आप लोगों के एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है अभी से, क्योंकि आप लोगों को कम से कम पता तो चलना चाहिए कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हो। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024। रेपो रेट वॉज रिटेन्ड 6.5 फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। द बैंक रेट इज कैप्ट अनचेंज 6.25%। इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के संबंध में इनमें से कौन सा बिंदु सही। चलिए आंसर बताइएगा। रेपो रेट को लगातार 7वीं बार 6.5% पर बरकरार रखा गया, बैंक रेट 6.25% पर अपरिवर्तित रखी गई है, साथ ही साथ वित्त वर्ष 2015 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% रखी गई। इसमें ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि सिर्फ ए सही है, सिर्फ ए और बी सही है, सिर्फ बी एंड सी सही है, और सिर्फ ए और सी सही है, या ऑल ए बी और सी सही है। आंसर बताइएगा, आप सभी लोगों को मैंने बताया था, जी हाँ सभी लोग ऑल ए एंड बी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बच्चे ऑल ए बी एंड सी तीनों। चलिए तो देखो भाई, सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि इनमें से आप सभी लोग कितने अच्छे तरीके से बताएं। स्नेहा ने बताया ऑल ए बी एंड सी, ठीक है, और सभी लोग बता दीजिए, कमेंट कीजिए, सभी लोग ए बी सी बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बी एंड सी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, सबसे पहले समझो कि मैंने आप सभी लोग को बताया था क्या कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बाय मंथली, इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर कायदे से सुना करो, ठीक है। ये मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया होता तो आप लोग भी गलत करके चले आते, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया होता तो गलत करके चले आते। तो आरबीआई का फर्स्ट फर्स्ट बाई मंथली क्या कराया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक हुआ। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक में सबसे पहले क्या बात रखी गई थी कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। तो रेपो रेट कितना रखा गया बेटा, रेपो रेट जो कि आप सभी लोग को, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट रीपर्चेज ऑफर रेट होता है। जब भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो वो रीपर्चेज ऑफर रेट के रूप में लेता है। इसको अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है, 6.50% है, जी हाँ है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट की अगर बात की जाए तो 3.35% है, जी हाँ है सर। इसके अलावा अगर आप कह सकते हैं कि सर बैंक रेट तो आपने यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया था, बैंक रेट सर आपने 6.5 बताया, 6.25 बताया, जबकि सर बैंक रेट तो यहाँ पे 6.75 होता है, क्योंकि बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज ये हमेशा से बराबर रखा जाता है, ठीक है। बैंक रेट जो होता है
लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाता है आरबीआई के द्वारा किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज जो होता है इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कराया जाता है किसी बैंक को आरबीआई के द्वारा, और ये आपका 6.75% होगा। कितना होगा? 6.75% होगा। इस तरीके से कैश रिजर्व रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया, कितना है? 4.5% है। और SLR में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, कितना किया गया? 18% है। इस तरीके से अगर आप लोग देखे बच्चे तो ये सातवीं बार किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब एक साल 14 महीने, ठीक है, सातवीं बार किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। तो पिछले साल से एक बार भी अभी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ये वाला गलत है। आपका ये आंसर हो जाएगा 6.75%, ठीक है। तो ये ए एंड सी वाला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। इसे छोटी छोटी बातें कहते हैं, मोटी बातें। ये आप लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर वॉज नॉट कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024। इनमें से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण, यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र COR, ये अप्रैल 2024 में आरबीआई के द्वारा रद्द नहीं किया गया है? उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, कुंडल्स मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जीवन ज्योति डिपॉजिट एंड एडवांस लिमिटेड, नित्या फाइनेंस लिमिटेड, या भाटिया हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है। किसका रद्द नहीं किया गया भाई? उज्जीवन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का रद्द किया जाता ना तो बवाल हो जाता, इसका मतलब उज्जीवन फाइनेंस बैंक खत्म हो जाता, ठीक है। अभी फिलहाल किसका किसका रद्द किया गया? कुंडल्स, जीवन ज्योति, नित्या और भाटिया का किया गया है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक्ट लगाया है, कुछ एक्ट लगाते ही इनका लाइसेंस रद्द किया गया। इसमें चार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके नाम क्या क्या है और किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45IA-6 के तहत क्या किया गया है? यहाँ पे रद्द किया गया है किसका? कुंडल मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में है, साथ ही साथ नित्या फाइनेंस लिमिटेड का जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, भाटिया हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड का जो कि बठिंडा पंजाब में। ये सभी की सभी एनबीएफसी का क्या किया गया है? यहाँ पे फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का रद्द किया गया। इसके अलावा जीवन ज्योति डिपॉजिट एंड एडवांस लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द किया गया, और ये किसके तहत किया गया? ये सभी की सभी एनबीएफसी है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रेगुलेटर कौन कहलाता है? ये आरबीआई कहलाता है। आरबीआई किस किस कंपनी का रेगुलेटर कहलाता है? जैसे कि आपके जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, भारतवर्ष के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, भारतवर्ष के जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, भारतवर्ष के जितने भी बैंक हैं, इनका पापा आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। अप्रैल 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, किसके ऊपर? 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। ये कुछ इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। 2022-2023 में आरबीआई ने लगातार एक बैंक के ऊपर इसी तरीके की पेनल्टी लगाई थी, उसका नाम था पेटीएम पेमेंट बैंक, और ये लगातार उनको अवेयर किया जा रहा था कि देखो भाई तुम कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कुछ इसी तरीके की पेनल्टी लगाई जा रही किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। किस बैंक को लगाई गई है? IDFC फर्स्ट बैंक। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, ठीक है। अक्सर आप सभी लोग कौन बनेगा करोड़पति में देखते हो, आइए हम लोग, हम और आप जैसे कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन क्या है? अमिताभ बच्चन जो है IDFC फर्स्ट बैंक के क्या किए जा रहे, ये एक ब्रांड एम्बेसडर। फिलहाल इसके ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि आरबीआई जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सेक्शन 47 और सेक्शन 46 के तहत पेनाल्टी लगाई गई। किसके ऊपर लगाई गई है भाई? यहाँ पे 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ऊपर लगाई गई। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पेनाल्टी जो लगाई गई है
यहाँ पे 49 लाख रुपए की LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ऊपर लगाई गई। अब आप कहेंगे कि सर LIC का तो रेगुलेटर कौन होता है, LIC का रेगुलेटर कौन होता है भाई, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रेगुलेटर कौन है, IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन सर यहाँ पे RBI कैसे पेनल्टी लगा रहा है भाई, इसके आगे हाउसिंग फाइनेंस लगा है और हाउसिंग फाइनेंस क्या लग गया, इसका मतलब NBFCs बन गया, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बन गया। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बन गया तो इसका जाहिर सी बात है इसका रेगुलेटर कौन बन जाएगा, इसका रेगुलेटर RBI बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। Which bank has recently signed an MOU with the Paymart India Private Limited to launch an innovative virtual automated teller machine facilities? किस बैंक ने एक अभिनव वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन सुविधा की शुरुआत की है और ये Paymart India Private Limited के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अभी तक हम लोगों ने क्या समझ रहे थे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप सभी लोग ATM मशीन में जाते, जी हाँ जाते सर, पैसा निकालते, जी हाँ सर पैसे निकालते, किस किस तरीके के ATM मशीन पे जाते हो आपको याद है, आपको मालूम है कि आप बैंक के किस किस टाइप के ATM में जाते हो और अपना पैसा विड्रॉ करते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी बैंक के ATM में जाते हो तो एक तो ऑफसाइट ATM पे जाते हो, किसके ATM पे, ऑफसाइट ATM पे। ये ऑफसाइट ATM क्या होता है, जब भी बैंक के द्वारा खुद स्थापित ATM बैंक के ब्रांच के नजदीक लगाया जाता है इसको हम लोग ऑफसाइट ATM कहते हैं। अगर आप बैंक के ब्रांच के नजदीक या बैंक ब्रांच के अंदर ATM से पैसे निकालते हैं तो उसको हम लोग ऑफसाइट ATM कहते हैं। अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा स्थापित कोई बैंक के ATM से पैसे निकालते हो तो ये प्रकार का व्हाइट लेबल ATM कहलाता है। क्या कहलाता है, व्हाइट लेबल ATM कहलाता है। अगर आप किसी NBFC और बैंक के दोनों के मिली भगत से बनाया गया एक ATM से पैसा निकालते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन लेबल ATM कहते हैं। कभी आप महिलाओं की ATM पे गए हो, यहाँ पे आपको मार के भगा दिया जाएगा, अगर आप पुरुष है तो आपको धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पिंक लेबल ATM जो होता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए दिया जाता है और वहां पे सिर्फ महिलाओं की एंट्री होती है और महिला गार्ड भी होती है। तो पिंक लेबल ATM क्या होता है, पिंक लेबल ATM बेसिक तौर पर क्या किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही पिंक लेबल ATM का क्या किया गया है, अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑरेंज लेबल ATM भी होता है। ऑरेंज लेबल ATM क्या होता है, ऑरेंज लेबल ATM जब स्टॉक मार्केट या आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित जब ATM मशीन और डीमैट अकाउंट के जरिए पैसे निकासी की जाती है तो उसको हम लोग ऑरेंज ATM मशीन कहते हैं, ठीक है। अब ATM और डेबिट कार्ड में अंतर भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं, ATM और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है, ये दोनों ही बैंक में आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। दूसरा, ATM के जरिए सिर्फ और सिर्फ पैसा निकासी कर सकते हैं जबकि डेबिट कार्ड के जरिए आप पैसा भी निकासी कर सकते हैं, साथ ही साथ खरीदारी भी कर सकते हैं, परचेजिंग भी कर सकते हैं, स्वाइप मशीन के जरिए पैसे भी ट्रांजेक्शन करा सकते हैं। तो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो जाएगा जो कि एक प्राइवेट बैंक क्या है, एक प्राइवेट बैंक है और एक प्राइवेट बैंक के तौर पे इसने क्या किया है, वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन की फैसिलिटीज देना शुरू की गई है, किसके द्वारा, Paymart India Private Limited। अब वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल का मतलब हो गया इसका मतलब मिस्टर इंडिया, नहीं, मिस्टर इंडिया का मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहीं नहीं रहेगा फिर भी हवा में पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब ये हो गया कि बेसिक तौर पर Paymart India Private Limited एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जो कि कार्डलेस, यानी कि आपके पास ATM मशीन हो या ना हो लेकिन आप जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि SBI का योनो ऐप, SBI का कार्ड हो या ना हो आप बस सीधे सीधे एप्लीकेशन के जरिए ATM मशीन में जाएं और आप पैसा निकाल देते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल ATM। क्या कहते हैं, वर्चुअल ATM। तो योनो ऐप इज द एग्जाम्पल ऑफ योनो एप्लीकेशन के जरिए जब आप पैसा निकालते हैं तो ये भी ATM का उदाहरण बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन
इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 2700122022 सर्टिफिकेशन। उस नियामक संस्था सरकारी एजेंसी का नाम बताया जिसने अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मुंबई में है, मुंबई में सन 1982 में स्थापित किया गया। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतवर्ष में जितने भी बैंक दिवालिया होने वाले हैं या दिवालिया होने के कगार पर हैं, उनका रिपोर्ट जारी करता है कौन सा बैंक, कौन सी संस्था? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? IBBI कहते हैं। IBBI कोड भी जारी किया गया था जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर इनकी मदद ली जाती है बैंकों के द्वारा और RBI के द्वारा। बेसिक तौर पे अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जिनका NPA बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, ऐसे तौर पर जब भी बैंक दिवालिया होने वाले होते हैं या दिवालिया होने की कगार पर होते हैं, तो IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये आता है और कहता है कि देखो हम आ गए अवतार के तौर पे, हम आपको बचाने के लिए आ गए। तो कोशिश करता है, ये बचाने की भी कोशिश करता है, साथ ही साथ जो जानबूझकर दिवालिया होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाने की रिपोर्ट भी लगाता है RBI के द्वारा। तो RBI को अपनी रिपोर्ट भी पेश करता है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर सिक्योरिटीज इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बता दिया, सेबी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सेबी हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो सन 1988 में क्या किया गया था, इसको फाउंडेशन रखी गई थी। सन 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, ठीक है, और साथ ही साथ इसको स्थापित किया गया। इस वक्त इसकी जो चेयरमैन है जिनका नाम है मधाबी पुरी बुश। अब ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा पर्टिकुलर एक रिसीव किया गया है, सर्टिफिकेशन दी गई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट द प्राइमरी डेटा सेंटर ISMS एट द डिजास्टर रिकवरी साइट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल से नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल से भी रिसीव द सर्टिफिकेशन फॉलोइंग द ऑडिट बाय द सर्टिफिकेशन बॉडी। ठीक है, तो इसके द्वारा सर्टिफिकेशन दी गई है सेबी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली रेज्ड $500 million फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ? किस बैंक ने विदेशी वृद्धि को वित्त पोषित करने के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से $500 million जुटाए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भाई फंड जुटाने के मामले में इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत नंबर वन पर है। जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए क्या किया जा रहा था कि फंड जुटाए जा रहे थे और बीच में वो कमीशन खा रहा था। अभी अगर बात किया जाए तो विच बैंक हैज रिसेंटली $500 million कहां से उठाया जा रहा है? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से उठाया जा रहा है। ये भी जैसे कि हमारे देश में गिफ्ट है ना, गिफ्ट, ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है यहाँ पे, इसको फंड इकट्ठा किया जा रहा है। सन 1919 में बनाया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। पहला बैंक है देश का जो कि महात्मा गांधी जी के अनावरण किया गया था। इस वक्त मणि मेखलई इसकी चेयरमैन है, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर बंबई में, कहाँ पे है? बंबई में। चल, तो ये तो हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बातें। अब आते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 4,200 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने ग्रोथ को दिखाने के लिए, बिजनेस ग्रोथ को पूरे विश्व भर में फंड रेज किए। साथ ही साथ दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो कि दुबई ब्रांच में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, इन्होंने इनको पैसे दिए हैं, पैसे वैसे देके कहा कि जाइए जीले अपनी जिंदगी। ठीक है, एक अमरीश पुरी का उदाहरण है ना, जा कौन से जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे दुबई वालों ने कहा है कि जा यूबीआई जा जीले अपनी जिंदगी, मैंने दिए तेरे को 4,200 करोड़ रुपए। यानी कि यहाँ पे किसके द्वारा दिए जा रहे, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है, कह रहा है कि जी ले अपनी जिंदगी जा। ठीक है, चलिए DDLG। हाँ देखो, आप लोग बस एक बार नाम लेने की देरी है, बस नाम लेने की देरी है और तुरंत नाम आ जाता है। अभी अभी हम लोग पूछ लेते ना कि अच्छा ये बताओ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कितने करोड़ इकट्ठा किया गया है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4,200 करोड़। सर याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी याद आ जाएगा। अब आगे आने वाले समय पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप दुबई से DDLJ कर देना, अपने आप याद आ जाएगा DIFC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अचीवमेंट अवार्ड फॉर द क्रिएटिंग। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, याद करना तरीके का, अच्छे तरीके से याद कर लो। Name the company that has recently received the Achievement Award for Creating Social Development and Impact at the 15th CIDC Vishwakarma Award Week. यहाँ पे उस कंपनी का नाम बताएं जिसने हाल ही में 15वें CIDC Architect Award जीता है। देखो भाई, अलग अलग अवार्ड दिए गए, अलग अलग अवार्ड दिए जा रहे हैं अलग अलग कंपनियों को। सबसे पहले कल हम लोगों ने इसके बारे में बताया था, सतलज जल वितरण निगम लिमिटेड जो है इसको दिए गए हैं एक ऐसा अवार्ड जो कि 15वां विश्वकर्मा अवार्ड है और ये सोशल डेवलपमेंट और इम्पैक्ट के लिए दिया गया है, क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट और इम्पैक्ट के लिए दिया गया। कल हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किए थे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो SJVN जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी के तौर पर जाना जाता है, इसको एक अवार्ड दिया गया है क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट और इम्पैक्ट के लिए। अभी अलग अलग तरीके से अलग अलग, अभी कल आप देखेंगे तो दो तीन, और अगर कल तक मैं पढ़ रहा था तो दो तीन लोगों को, दो तीन और ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से क्या दिया गया है, अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। 4 सालों के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पट्टाधीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है। तो सबसे पहले तो किसे नियुक्ति दी गई है, ये है क्या, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल सेट। जैसे आप मान के चले कि किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है, जैसे मान ले पनारू लाल नाम का व्यक्ति है, अब पनारू लाल नाम का व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो बैंक उनसे कहती है कि बैंक, हे बैंक, तुम मुझसे लोन ले रहे हो तो तुम मुझे क्या दोगे। बैंक ये कहेगी ना पनारू लाल से कि तुम मुझसे लोन ले रहे हो तो तुम मुझे क्या दोगे, तो पनारू लाल कहेंगे कि मैं आपको अपनी माँ दूंगा। बैंक कहेंगे कि आजकल मां के बेसिस पर कोई लोन नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तो बैंक ये कहेगा कि तुम्हारे पास क्या है। तो जब पनारू लाल कहता है कि मेरे पास माँ है, तो बैंक कहेगा कि मेरे माँ के पास भी मेरे माँ है और मेरे बैंक के पास भी मेरी माँ है, यानी कि RBI है। भाई आपको लोन देने हैं तो लोन देने के लिए सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटीज का किसी भी प्रकार से विवाद आता है तो उसके लिए सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल यानी कि 4 साल के लिए जो बेसिक तौर पे क्या किया जाता है, एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये आपके सेट यानी कि सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों के विवाद को सुलझाया जा रहा, ये अन्य विवाद भी सुलझाए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी विवाद जो सिक्योरिटीज होते हैं उसका भी विवाद सुलझाया जा सकता है, NBFCs के भी विवाद सुलझाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार, इतना नाम याद करोगे, इससे अच्छा आपको प्रतिनिधि याद कर लो, प्रतिनिधि, ठीक है, तो इनको याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अपॉइंट किया गया, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इनका अपॉइंटमेंट किया गया और जो कि PS दिनेश कुमार जो कि जस्टिस है,
ये फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के, इनको क्या किया गया है कि अगले 4 साल के लिए सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल की 4 साल के लिए नियुक्ति दी गई है। इनकी एज ये कब तक काम करेंगे, जब तक ये रिटायर ना हो जाए या इनकी उम्र 70 साल की ना हो जाए, यानी कि एपलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल का रिटायरमेंट एज होता है 70 साल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीएस दिनेश कुमार जो है किसकी जगह पे आएंगे, तरुण अग्रवाल की जगह पे आएंगे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था सेट के तौर पे 2018 से लेके 2023 तक का। ठीक है, धीरज भटनागर जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स की, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है टेक्निकल मेंबर ऑफ सेट के तौर पर, यानी कि इनको धीरज भटनागर को एक टेक्निकल मेंबर के तौर पे चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में कल बताया था, आप सभी लोग फटाफट से आंसर बताइएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मनोज पांडे, अनिश शाह, मिनेश कुमार, चंपक लाल शाह, अरुण कुमार सिंह या हर्षा बंगाली, आंसर बताइएगा। सेट क्या होता है, सेट बताया तो, सेट एक सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है एक बैठक होती है। जैसे मान लो हमने बताया कि पनारू लाल ने एक लोन लिया, ठीक है, अब जब लोन लिया तो इन्होंने पैसे समय पे नहीं चुका पाए बैंक को, अब इनका विवाद बैंक और इनका विवाद बढ़ता चला गया। अब इनका बेसिक तौर पर जो भी संपत्ति का जो विवाद होगा वो सलटाएगा कौन, सेट करेगा, यानी कि जो यहाँ पे सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मिनेश कुमार चंपक लाल शाह हो जाएगा। ठीक है, मिनेश कुमार चंपक लाल शाह हो जाएगा। मनोज पांडे कौन है, आर्मी चीफ है ना, जनरल मनोज पांडे। अनिश शाह कौन है, फिक्की के चेयरमैन है। अरुण कुमार सिंह कौन है, ओएनजीसी के चेयरमैन है। हर्षा बंगाली कौन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, बार बार ये हट जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की चेयरमैन। ठीक है, तो ये हो गया आपके मिनेश कुमार चंपकलाल शाह। क्वेश्चन है होमवर्क का, इनमें से किस पर्सन को हाल ही में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड के अभिनव बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका एमपी राम मोहन और दिवबंधु महापात्रा, इन दोनों को क्या दिया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या किया गया, पर्सनालिटीज के तौर पे अपॉइंटेड किया गया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके होमवर्क की, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही अभी तक आप लोगों के कंप्लेन आ रहे थे कि सर बहुत ही कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं होमवर्क में, बड़ा सर्च करना पड़ता है। इस बार सबसे सरल क्वेश्चन पूछा है, अब आप लोगों में से देखना है कि कितने लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के तौर पे देंगे, लेकिन आप लोगों को होमवर्क में देना है। चलिए आज हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रिविजन की बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया अपनी क्लासेस में। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, टॉप हेडलाइंस देखेंगे। टॉप हेडलाइंस में आप लोगों को यहाँ पे नेशनल न्यूज अपॉइंटमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट डे देखने को मिला। बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज के मामले में सिडबी ने गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की है। इसके बाद हम लोगों ने गिग वर्कर कौन होता है और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के क्या होते इसको समझाया आप लोगों को। पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है इसको समझाया। एजिल क्या होता है, अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ा अपना संयंत्र रिन्यूएबल एनर्जी में लगाया। महाराष्ट्र के मिराज में बनी सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बारे में आज हम लोगों ने अलग अलग तरीके से चीजों को जानने का प्रयास किया, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में जानने का प्रयास किया। चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस में सर्वाधिक क्रूड ऑयल आयात किया है इसको भी समझा। सितवे म्यांमार भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह बना। माई हेल्थ माई राइट
जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है उसको भी समझा, साथ ही आज हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को भी समझा, जिससे कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को फिर हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ तादाद में आया कीजिए। अब तो गर्मी आ गई, ठंड में तो आप लोग आ जाते थे, गर्मी में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो चिंगारी लगी हुई थी, कहते हैं ना कि चिंगारी जब लगती है तो आप, जब चिंगारी लगती है तो चिंगारी जलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों ने अंदर चिंगारी तो लगा दी, लेकिन वो चिंगारी अब धीरे धीरे लॉ खत्म हो रही है। भाई एग्जाम है, 115 दिन बचे, 115 दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 115 दिन को याद रखिए, अपने बोर्ड पर, अपने टेबल पर यहाँ पे दिन लिखा कीजिए, कितने दिन लेफ्ट हो गए, कितने दिन लेफ्ट बचे हैं। तो अब 115 दिन बचे हैं, ठीक है, ऐसे कट 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 करते जाओगे तब आपकी तैयारी परिपूर्ण हो पाएगी। और आप आज के दिन पे क्या करने वाले हो ये स्ट्रेटजी जरूर लिखा करो अपने बुक टेबल पर, कि आज हम लोग ये टारगेट सेट कर रहे हैं, ये टारगेट कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो आज के सेशन पे हम लोग फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने माता पिता का सम्मान करें और अच्छे से रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।